निवासी श्री विजय कुमार शर्मा जी ने अपने स्वर्गीय बेटे करण शर्मा आशु की याद में उनकी स्मृति में यहाँ गौरीशंकर माता रानी की, नर्मदेश्वर शिवलिंग और हनुमान जी की जो मूर्तियाँ वो स्थापित कराई गई हैं। 11 जुलाई को यहाँ मूर्तियाँ स्थापन कराई गई हैं और आज यहाँ पे रामायण का पाठ लगाया गया है मंदिर बनपत समिति की तरफ से। तो सभी शिव भक्तों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, सब ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया है और सबको हर हर महादेव। एक बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ कि यहाँ का जो रास्ता है इस मंदिर का वो बहुत ख़राब है, यहाँ आने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हमारे यहाँ के जो डीसी साहब हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब इस रास्ते का जो है यहाँ आके काम देखिए, विजिट कीजिए और ये मंदिर का रास्ता जो है ठीक करवाइए। और सभी शिव भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि इस मंदिर की तरफ सभी आएँ, ये मंदिर सबके सबका है, किसी की पर्सनल जगह नहीं है, सब यहाँ पर आएँ और इस मंदिर की शोभा बढ़ाएँ। हर हर महादेव। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज बनपत मंदिर में मूर्ति स्थापना भी की गई है, तो आज बहुत बड़ा भंडारा भी किया गया है, क्या है? स्थापना की गई है इस करके थोड़ी क्योंकि विचार था एक चीज़ में खास तौर से ये कहना चाहूँगा, जो जग होगा ना जग आगे जो पुराने टाइम पे होगा उनके फर्स्ट में, तो बाकी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, यात्रु आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमें बहुत देर से, मैं पीछे भी गया था, वो बाइक का प्रोग्राम हुआ था वहाँ, मैंने बोला था ऑफिसर को वहाँ मेरा, वो उन्होंने नोट भी किया था लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, एक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्थापन कराई गई है और यहाँ पे आज जग का जग भी रखा गया है और मैं आप सभी से ये कहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू। और मैं पूछ से हूँ, आज पूल शहर के बीचों बीच बनपत एक गांव है जहाँ पर शिवजी भगवान का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थापित है। भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो हर्ष वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपना मनवांछित फल पाते हैं। यहाँ पर ठीक 2 दिन पहले रामायण का अखंड पाठ आयोजित किया जाता है, उसके बाद सुबह यहाँ पर हवन किया जाता है और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब 1 महीने के बाद यहाँ पर पूरा अमरनाथ की यात्रा जो है वो मंदिर में शुरू हो जाएगी और वहाँ के श्रद्धालु भी जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर रोड जो है बिल्कुल कच्ची है, रोड के पास एक कुंडली पड़ती है, वहाँ से मैं चाहती हूँ कि रोड पूरी तरह से ये पक्की की जाए ताकि श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे कि आप देख रहे हो आई बनपत मंदिर में एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, ये भंडारा लगभग पिछले 30 साल से लगातार यहाँ चल रहा है। ये स्थानीय कमेटी है यहाँ पे, वो लगातार अपना योगदान देके पूरे समाज से योगदान देके ये लंगर करती है और इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसी साल इन्होंने मूर्ति स्थापना यहाँ करवाई और इस मंदिर की जो गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए हर साल जो लंगर है यहाँ कमेटी जो है सुचारू रूप से चलाती है। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, जो ये रोड है आप देख सकते हो थोड़ा रोड पक्का हो चुका है, थोड़ा हो चुका जो बीच में पैच रहा है छोटा सा जो एरिया रहा है, कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे और ये जल्द से जल्द इसको पक्का हो क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, काफ़ी मंदिर है और लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मैं अपने पुंछ निवासियों से भी आग्रह करता हूँ कि जो सोमवार होता है वो यहाँ भी आए, यहाँ भी माता देखें, क्योंकि ये पुंछ का एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद दें। जय भारत, वंदे मातरम।